तो दोस्तों आज मैं सोच ही रहा था कि क्या कंटेंट डालें। मैंने एडम इक्विप करा हुआ था, सारी स्किन हटाई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वर्ल्ड चैट पर चलकर देखते हैं और उनके साथ चलकर प्रैंक करने की कोशिश करेंगे। अब वर्ल्ड मत हम आगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार मैं लिखूं क्या यहाँ पे। एनीवन नीट डैमेज लिख दूं क्या, तब शायद लोगों का रिप्लाई आ जाए, फिर उनका रिप्लाई वगैरह देखेंगे, शायद मुझे पहचान ले। ओके अभी इतनी जल्दी जल्दी इसमें मैसेज जाता नहीं है, शायद मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट डालता हूँ। चलो भाई गिल से हटा देता हूँ। ओके मैं रिक्वेस्ट डाल दी, मुझे समझ ही नहीं आता पहले मैं रिक्वेस्ट डालू कैसे। चलो भाई ओके यहाँ पे बंदे आ गए हैं गाइस, बस इनके साथ अब प्रैंक करना है। हेलो बॉस राय। बैज भाई। अरे यार गाइस ये तो मुझे पहचानते हैं। हेलो क्या करे यार, एक काम करता हूँ गाइस आवाज चेंज करके बोलता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं क्या रहता है। हेलो भाई। अरे ये हेलो भाई आवाज आ रही है? नहीं नहीं हेलो भाई आवाज आ रही है? भाई हाँ भाई आवाज आ रही है? हेलो भाई बैज 99। नहीं सुनो 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 तो सही, आवाज आ रही है? आप लोग को पता है क्या, मैं बैज 99 के घर पे आया हुआ हूँ, मैं उनका रिलेटिव हूँ। अभी बैज 99 तो नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग को डायमंड चाहिए? डायमंड्स? हाँ मुझे चाहिए। कितने डायमंड? मेरा फ्रेंड बन जाना, मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा। क्या बता? मेरा फ्रेंड बन जा, फ्रेंड बन जा भाई। अरे ये तो उनका आईडी है ना, मैं कैसे रिक्वेस्ट भेजूं? बैज भाई हम आपको चैलेंज करते, आपने बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर को भी हराया, हमें भी हराओ। व्हाट आर यू कॉमेडी मी? आ जाओ चैलेंज करते हैं। अरे सॉरी यार, मैं मुझे बड़ा डर लग रहा है यार, तीन तीन लोग हैं भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। डर गए क्या? चलो नहीं मजाक कर रहा था। चलो अभी रूम पक्का, तुम तीन में अकेला ना? वो आपका फ्रेंड था ना? कौन वो जो तभी आया था? कौन आया था अभी? कहाँ पे था? वर्ल्ड चैट में हेलो लिखा तो मैं बोला हेलो भरत भाई। ओ नहीं वो मैं था, मैं आवाज चेंज करके बोल रहा था। मेरे को डाउट लग ही रहा था भाई, कस्टम रूम आईडी कहाँ दोगे? लेकिन वर्ल्ड पे दूंगा, वर्ल्ड पे तो कोई और आ जाएगा। हाँ तो भाई चलो ठीक है, मैंने 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 बॉस राय को रिक्वेस्ट भेज दिया है, बॉस राय तुम दोनों को इनवाइट कर देगा, ठीक है? कि मैं अभी रूम बना रहा हूँ और उसके बाद तुम लोग इनवाइट, तुम इन दोनों को इनवाइट कर देना, ठीक है? अरे यार अब क्या फायदा है ऐसी आवाज में बात करने का, ओरिजिनल आवाज में बात करता हूँ मैं, फटाफट से रूम बना रहा हूँ, तुम लोग आ जाना, ठीक है? मतलब वैसे अगर तुम लोग अपने शब्द वापस लेना चाहते हो तो ले लो, वरना मैं यूट्यूब में डालूंगा। इतना खुशी कमाल है भाई, पहले चैलेंज कर रहे हो तो खुशी तो होगी। चलो कोई नहीं यार, ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने डायरेक्ट आलोक नहीं मांगा यार, ये लोग चैलेंज कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि खेलना चाहते हैं ये, तो फटाफट से इनको मैं इनवाइट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं यार गाइस ये लोग कैसा खेल रहे हैं। बाकी में गेम तो टफ हो गई यार, तीन बंदी अचानक से हैं, पता नहीं कैसा खेलते हैं। एक तो भाई खुद ही डीजे एडम बन के आया था, इसको मैंने इनवाइट कर दिया, ये अब उन लोग को बता, उन लोग को इनवाइट कर लेगा। चलो भाई तब तक जो इनवाइट करता है तब तक हम अपनी सेटिंग्स कर लेते हैं, 11 राउंड्स 1500 डिफॉल्ट कॉइंस और लिमिटेड एमो नो कर लेते हैं। ओके एक बंदा और आ गया इसका, पर इनका वो कहाँ, तीसरा वाला, इनको भगा दिया क्या इसने? सबको बुलाओ यार, तीसरा कहाँ पे है ये? मैं पूछे थे गाइस इनसे, उनके बाद शुरू करेंगे, ठीक है? क्या पता कहीं ऑफलाइन हो गया हो, तो ये पता कर लेते हैं, क्योंकि 1v3 यार, तीनों लोग की इच्छा है हराने की, तो देखते हैं इनकी इच्छा हम पूरी कर पाते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगी यार, अब एडम को चैलेंज करा, अगर रेड क्रिमिनल होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, आज तो हम भी एडम वाले फॉर्मेट में। ओके इसका दोस्त भी आ गया है, अब फटाफट से गाइस शुरू कर देते हैं, आ रहा है। ओके आ गया बंदा, फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं गाइस ये लोग कैसा खेलते हैं। चलो यार मैदान पे तो आ गए हैं, मैं वेक्टर ले लेता हूँ, एक ग्लू बॉल ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ भरोसे नहीं गाइस ये लोग कैसा खेलेंगे, छुपके खेलेंगे या बॉम्ब करेंगे, कुछ बॉम्ब तो नहीं करेंगे, खैर बंदे अच्छे लग रहे थे, बट एनीवे अभी चलकर देखते हैं। एक तो मेरे पास आज एडम है यार, तो जीतना तो पड़ेगा ही, और मैं फटाफट आपको मेन हाईलाइट दिखाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, उसकी चिंता मत करो आप लोग। चलो भाई गाइस मैं तो पीछे से चलकर देखता हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि ये लोग कैसे करेंगे, पहले राउंड में जानना बहुत जरूरी है कि कैसे खेलता है यह बंदा, इसने शायद मुझे देख लिया। आजा भाई तू, तो सबसे पहले मारूंगा और ऊपी वाला हेडशॉट पूरा खा दूंगा भाई, इस लड़की रिवाइव हो जाए तो। नहीं यार रिवाइव करने आ रहा है। ओके यहाँ से एक बंदी आ रही है, आ जाए बेटा। नाइस 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 नाइस, पूरा खा दूंगा भाई, क्योंकि ये लोग ना रिवाइव करके खेल लें, अपने लिए दिक्कत हो जाएगी। फटाफट यहाँ से निकल के हील करते हैं, कि अगर मैं वहाँ पे बैठे रहा ये तो भाई तुरंत मुझे लपेटे में ले लेंगे। अब मैं नहीं चाहता भाई आज एडम हार जाए। भाई जो चैलेंज दिया ना इन लोगों ने, मैं खुद शॉक्ड रह गया भाई, ये क्या बोल रहा है ये।
चलो एनीवे अभी देखते हैं कि कैसा रहता है गेम। ठीक है, एक को तो मैंने खा दिया, 1v2 है। क्या कर रहे हैं लोग, कैंपिंग कर रहे क्या? ये रहा बंदा, एडम है वहाँ पे भी। एडम चाचा, एडम वर्सेस एडम। आ रहा हूँ भाई, मैं आगे आ रहा हूँ, कैंपिंग करने का फायदा नहीं है। शायद हील कर रहे होंगे गाइस वहाँ पे ये लोग। ओके, थोड़ा सा सेफ रहना है अपने को, एकदम पास नहीं जाएंगे। कहाँ गया, यहीं तो था, ये रहा। ओके, डेजर्ट एकदम चला रहा है। ओपी वाला हेडशॉट इसको भी, अभी तो रिवाइव नहीं कर सकता, दूर हो गया। मेरे ख्याल से गाइस ये लोग मुझे हेडशॉट मारने की सोच रहे हैं। चलो भाई, इसको तो मैं लपेटे में ले लिया, मैं भी डेजर्ट एकदम ले लेता हूँ। लास्ट वाला बंदा बचा है, ये देखो गाइस, टपाटा वन शॉट मारने की सोच रहा है गाइस लास्ट वाला बंदा। इसको भी हम भी वन शॉट देंगे, कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। आ जा भाई, ये आया बंदा, और ओपी वाला हेडशॉट यार। चलो सही है, मस्त करके यार, 3 बजे तो हमने खा दिया स्टार्टिंग भाई। अभी देखते हैं कि बाकी राउंड में ये लोग कैसा खेलते हैं यार। मेन दिक्कत पता क्या है कि यहाँ पे वेक्टर है यार, वेक्टर लोग इतना ज़्यादा यूज़। अगर पहले से वेक्टर नहीं था तो सही रहता था, कि वह हमको भी वेक्टर ही लेनी पड़ेगी मजबूरन, क्योंकि वेक्टर वर्सेस वेक्टर में ही गेम बराबरी का रहेगा। ओके, हथियार मैं निकाल लेता हूँ अपने। आ जाओ बड़ा, दौड़ते हुए कैसा लगता है ना ये लोग। भाई एक और एडम वन शॉट मार रहा है यार, ये लोग क्या है, खतरनाक बंदे हैं शायद, वन शॉट मार रहे यार। ओके, हम भी भाई चतुराई से, ये लड़की थॉमसन लेके आई हुई है। चलो इसको पूरा खा लेता हूँ मैं। एक एडम चाचा बचे हैं, और वो दोनों बंदे वन शॉट वाला खेल रहे हैं, बढ़िया वाला। और ऊपर वाला हेड शॉट भाई, रिवाइव तो किसी को नहीं दूंगा, फटाफट खाना है सबको। चलो भाई, लास्ट बंदा कहाँ पे, वहीं पे एडम चाचा बचेगा इस। एडम वर्सेस एडम, कहाँ गया, इसके अंदर है क्या? ओके, अपने आप को हील कर रहा है शायद। कर ले ब्रो, आराम से हील कर ले, अभी बताते हैं तेरे को। एडम वर्सेस एडम है, ब्लू वॉल तोड़ेंगे। और ओपी वाला हेड शॉट यार, अगर ये मेरा मिस होता ना स्प्रे, सीधे मेरे को भी हेड शॉट लगता। शॉट गन लेके आया ये लोग भी, मस्त के 2 पॉइंट हो गए फिलहाल। तो भी गेम ठीक जा रहा है यार, इज्जत बच जाएगी लग रहा है एडम की। लेकिन आगे चल कर यार कुछ भी हो सकता है, अभी भी ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। चलो फटाफट आगे चल कर देखते हैं। एक गोली तो खाई इसने, लेकिन हेडशॉट नहीं पड़ा। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई आ रहा है। वो भाई भी डबल वेक्टर लेके आ गई इस बार, उसकी हेडशॉट। लेकिन मुझे ना हर जगह से अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कई देखो घेर के आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे हैं, एक अलग डायरेक्शन से आ रहा है, एक अलग डायरेक्शन से। क्या डैमेज दिया इसने, एक जगह में तो रुक ही नहीं सकता। अगर एक जगह रुकूंगा ना गाइस, मेरा मौत निश्चित है मेरी। बड़ा हील कर लेता हूँ कॉर करके, एक को तो खा दिया मैंने। चलो भाई, रिवाइव की टेंशन नहीं है अभी। चलो भाई, रिलोड कर लेते हैं, अब आ जाओ। बस हमें भागते रहना है, जगह चेंज करते रहेंगे हम लोग। डबल एक्टर है उसके पास भी, कहाँ गए, यहीं पे तो थे। ये रहा, और एडम चाचा भी यहाँ पे नॉक हो गए हैं। ओए ओए ओए, आराम से आराम से भाई। गाइस देखो, आगे पीछे से एक अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं यार, तुरंत ग्लोबल। ओए यार, ग्लोबल मिस हो रही है, मैं बहुत लो हूँ यार, फटाफट हील कर लेता हूँ, वो भी लो है वैसे। चलो भाई, दोनों हील करते हैं फिर वर्सेस वन करके। कहाँ भाग रहे सर, मेरे ख्याल से रिवाइव करने जा रहा है जल्दी से। नहीं भाई, रिवाइव तो नहीं होने देंगे। आ जा आ जा आ जा आ जा, जा। और ओपी ओपी भाई ओपी। चलो भाई, 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। इस बार मैंने ले ली है वुड पैकर, क्योंकि ना ये लोग थोड़ी बहुत लॉन्ग रेंज भी बना रहे हैं, तो इस बार हम भी दिमाग से खेलेंगे। चलो भाई, यहाँ पे मुझे वुड पैकर का माइक थोड़ा दूर है। ओके, एक बंदा यहाँ पे, एडम आया शायद। हाँ एडम है, आ जाओ एडम चाचा। तुम्हारे कपड़े बड़े मस्त हैं, सही टाइम पे डाउन हो गया है, वरना मैं भी डाउन हो जाता। शॉट गन थी उसके पास, एक गोली पड़ी मुझे, बस एक गोली और पड़ती ना शायद अपना काम हो जाता। चलो भाई, हील भी कर लेते हैं, बाकी वुड पैकर चला के देखते हैं, या फिर शॉट गन ले लूँगा, समझ नहीं आ रहा है अभी तो। दोनों बंदे मेरे बाहर से ही है, मुझे आवाज़ आ रही है। ओके, काम करते ना गाइस, शॉट गन ही ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग अगर एक साथ रश करेंगे फिर तो वहाँ पर वुड पैकर काम नहीं आने वाली है। चलो भाई, ये देखो, ये रही डबल वेक्टर, सबसे मेन खतरा इसी से है आज। ओके, बंदा आया, एक साथ रश कर रहे हैं ये लोग, आराम से आराम से। भाई डबल वेक्टर का है ना खतर, तो पड़ी पड़ी पड़ी, हील करने दो हील करने दो। हाँ भाई, आ जाओ, उछल के मारो। ओ भाई ओपी यार, ओपी नाइस यार। डबल वेक्टर वाली ने मार दिया फाइनली मुझे, पिछले 3 राउंड से कोशिश करे जा रहा था। चलो कोई नहीं यार, 1 पॉइंट हो गया उनका। इस बार गाइस मैंने ले ली है डबल वेक्टर के साथ साथ एक डेजर्ट ईगल। इस बार वन शॉट मारेंगे और कोशिश करेंगे, ठीक है। बस देखते हैं ये लोग कैसे रश करते हैं। ये तो भैया आया एडम, एडम सबसे आगे आ रहा है, इसको मारते वन शॉट। चलो भाई, एक गोली तो पड़ी, इसको पूरा खा देंगे। शॉट गन लेकर आया इस बार तो दूसरी वाली। डबल वेक्टर कौन चला रहा है ये? ओके गाइस, वो ना वो लड़की अभी छत में चल गई है, सबसे चतुराई से खेल ली है वो। ओपी वाला वन शॉट इसको भी पड़ा, पड़ा बस ग्लू वॉल लगा लेता हूँ। दो लोग को वन शॉट पड़ गया गाइस, बस अब इसको रह गया हेड मारना। ये जैसी रिवाइव करने आएगी ना, इसका भी हम काम तमाम कर देंगे। ये आई रिवाइव करने, और एक गोली भाई चतुराई से खेल ली है भी। आ जा भाई, कितने देर चतुराई दिखाओगे, वन शॉट ही मारेंगे गाइस टपा टप, ठीक है।
दो लोग को मार दे, एक ये रह गई बस। नहीं पड़ा, छुप रही है क्या? चलो बस इधर रस करेंगे। आ जा भाई, डबल वेक्टर है तेरे पास और हमारे पास अटैच डैगर। ओपी यार, इस बार तीनों लोगों को वन शॉट पड़ा बहुत ही ओपी वाला डैगर से मस्त करके। अभी हमारे हो गए यहाँ पे गाइस 4 पॉइंट्स। तो इस बार गाइस मैं थोड़े वेपन में चेंजेस करें। देखिए, एक मेरे पास है थॉम्सन और एक है मेरे पास शॉर्ट गन। इस बार ये लोग सबके सब वो लगे क्या गाइस डबल वेक्टर, मुझे ऐसे ही लग रहा है। ये लोग मेरे ख्याल से गाइस अभी जोश में आ गए हैं। चलो कोई नहीं भाई, तीनों लोग एक साथ हैं, ये तीनों के पास डबल वेक्टर है शायद। और ओ यार, डबल वेक्टर गाइस कोई मुकाबला नहीं है, मुझे भी डबल वेक्टर ही लानी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, 2 पॉइंट हो गए इनके, अभी देखते हैं कि क्या रहता है सीन। आज हारेंगे तो नहीं गाइस, एडम की इज्जत का सवाल है। आ जाओ भाई, इस बार दिखाते हैं तुम लोग को। यार मैं USP लाया हूँ, उससे मनीषॉट मार रहा है, मेरे को लगा मेरे पास डेजर्ट ईगल है। चलो सही है, अभी उससे काम चला लेंगे हम डबल वेक्टर से। और यूपी वाला हेडशॉट, एडम काम तमाम हो चुका है यहाँ पे। अब बस 2 बंदे रह गए हैं, एक ही लड़की है जो सबसे चतुराई से खेल गया, कभी छुप के कभी डबल वेक्टर। भाई डबल वेक्टर वैसे डबल वेक्टर है इस बार भी हमेशा की तरह। और वो पिछले यार डाउन हो गए, फायर रेट इतना अच्छा है ना इसका, इतना तेज है मतलब कि हेड मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुरंत नॉक हो जाता है सामने वाला। तो मेरे ख्याल से यार अपडेट के बाद इसको ठीक करना चाहिए, इनको थोड़ा फायर रेट कम करना चाहिए। गाइस आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एक शॉटगन मैं इसे ले लेता हूं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। कर लेना यार सब्सक्राइब, इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। फिलहाल तो आपके पास एक बंदा रह गया और हम दो के बीच ना टपाटप चल रही है एकदम, और गेम पता नहीं क्यों फंस रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेंगे गाइस, वन शॉट ही मारेंगे इसको, क्योंकि ये बंदा भी मेरे ख्याल से भी वन शॉट खेलने के मूड में है और ग्लू वॉल भी सही लगा रहा है। चलो भाई वन शॉट ही मारेंगे तेरे को, एक शॉट मिस हुआ कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने को बड़ा तगड़ा वाला शॉट। चलो यार सही टाइम पे एकदम मैंने जगह चेंज करी, वरना शायद गड़बड़ हो जाती। बंदा थोड़ी डिस्टेंस बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वन शॉट ही मारेंगे तेरे को, टेंशन मत ले। और ओपी वाला हेड शॉट। चलो यार 5-2 हो गया यहाँ पे स्कोर, 5-2। अब है गाइस यहाँ पे मैच पॉइंट, यानी कि आखिरी राउंड, अगर मैं इनको इसमें हरा देता हूँ तो। चलो यार आखिरी राउंड है, बस मुझे इस बार हराना है इनको। एक मेरे पास है शॉटगन, एक है मेरे पास थॉम्सन, बट इतनी आसानी से मेरे ख्याल से हारेंगे नहीं गाइस, ये लोगों को भी पता होगा कि लास्ट राउंड है। तो चलो देख लेते हैं क्या सीन रहता है। 2 बंदे यहाँ पे, तो एक बंदा कहाँ गया, एक लड़की और है जो सबसे चतुराई से खेली इनसे अलग। चलो यार एक तो डाउन हो गया वहाँ पे, देखो ये लड़की है, लड़की को याद करा, लड़की टपक गई। और ओपी वाला हेडशॉट यार, डबल वेक्टर लेके आ रही है हर बार ये। मेरे ख्याल से गाइस इसको डबल वेक्टर के अलावा और कोई नहीं आता है अभी चलाना, पर कोई टेंशन नहीं है। चलो इसको तो किस्सा खत्म कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा गाइस हमें उसी से था। जो बस ये 2 बंदे बचे हैं जो कि बहुत सही खेल रहे हैं, ये दोनों बहुत, एक तो भाई वन शॉट ही खेल रहा है और दूसरे जो एडम चचा है उनको पता नहीं यार कौन सा नशा करके आए, कभी झूम रहे हैं कभी सही खेल रहे हैं। खैर एनीवे मेरे ख्याल से अभी ये लोग हील कर रहे हैं। आ गए बाहर आ गए। ये रहा हमारे एडम चचा, ओपी वाला वन शॉट पर एडम चचा को। और ये रहा लास्ट बंदा भाई, इससे थोड़ा बच के रहना है। सही टाइम पे ग्लू वॉल लगाई मैंने, ओके इसको पता है गाइस यहाँ पे मैं हूँ। आ जा भाई, सही टाइम पे ग्लू वॉल लगाई एकदम मैंने, ओके वन शॉट वाला फिर से मैच होने वाला है। और देखते हैं गाइस कौन जीतेगा इस बार, कहाँ जा रहा है भाई बड़ी जल्दी से। ओके मेरे ख्याल से गाइस वो बहुत लो है तो तुरंत भाग गया वो, इस घर के अंदर है शायद। चलो यहाँ से आ जाए, और ओके आराम से, एक गोली भाई, एक गोली का मेहमान है शायद, हाँ गाइस एक गोली का मेहमान है और इसे एकदम अपने आप को पैक कर दिया। चलो भाई मौका बिल्कुल नहीं देंगे हम लोग, टाइम ज़ाया ना करते हुए तुरंत इसको मार देंगे। चलो भाई मस्त करके यहाँ पे हमारी हो गई है बुया, और अभी चल के गाइस इनसे बात करके देखते हैं कि कैसा सीन है। बहुत ही ओपी मैच था गाइस, एडम का वन शॉट भी मारा और डबल वेक्टर भी अच्छी खासी चला ली हमने। आप लोग को गेम प्ले कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाई, 19 किल्स हो गए यार आज तो, कमाल हो गया। चलो इनसे चलकर अभी सबसे पहले अभी बात करते हैं। चलो भाई इसको डिसबैन कर लेते हैं, इसके बाद इनको रिसेंट से बुलाने के, एक बंदे को मैंने ऐड कर लिया था, अभी इनसे चलकर बात करते हैं ठीक है। हेलो भाई, अरे वो तुम्हारा तीसरा वाला बंदा कहाँ गया? अच्छा उस वो क्या उसको बुलाकर देखते हैं, कहाँ गया भाई? आप तो लेजेंड से भी लेजेंड हो। अरे भाई 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 क्या हुआ भाई, क्यों ऐसा क्या हुआ भाई? वन टाइम मार रहे थे। हाँ। यार ये डीजे शॉट, डीजे रहम नहीं किया थोड़ा भी, डीजे शॉट सिर्फ वही क्यों कर रहा था यार, सिर्फ डबल वेक्टर चला रहा था। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग को मजा आया नहीं आया? बहुत मजा, आप हमसे मिले हो भाई,
और अभी दोबारा चैलेंज करना है? तुमने तो आते ही चैलेंज कर दिया यार, मेरे को लगा आलोक वगैरह मांगोगे, लेकिन आजकल तो बड़ी अच्छी बात है, प्रो लोग हो गए, मतलब आलोक की जगह चैलेंज कर रहे हैं। दोबारा चैलेंज करोगे कभी? अरे हम सबक सीख गए, माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी चैलेंज करना अच्छी बात है। तुम लोग के पास एडम नहीं है क्या? सॉरी, वो आलोक, इन लोग के पास डीजे शॉर्ट और अर्जुन नहीं है भाई? चलो कोई बात नहीं, मैं कल भेज दूंगा, ठीक है भाई? फ्रेंड लिस्ट से नहीं हटाओगे भरत भाई? ओ मेरे फ्रेंड बन गए हो, फ्रेंड लिस्ट से नहीं हटाना। तुमको आलोक भी भेज देंगे, ठीक है अर्जुन भाई? ठीक है भाई, ओके भाई, मिलते हैं फिर। हाँ ठीक।